गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। एडवेंचर्स मीन्स होता है साहसिक कार्य। एडवेंचर मीन्स रोमांच, मतलब यहाँ पर जो है टोटो के वो कार्य जो वो करता था उसके लिए बोला हुआ द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। यहाँ रेड कलर में आपको देर इज अ समरी ऑफ द स्टोरी, सम पार्ट ऑफ द स्टोरी, ठीक है, वो आपको बताया हुआ है। And what is that? Have you ever had a baby monkey as a pet? क्या आपके कभी एक बेबी मंकी जो है एक पालतू जानवर के रूप में हुआ है? टोटो इज अ बेबी मंकी। टोटो जो है वो एक बेबी मंकी है। आपका चैप्टर का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो एक बेबी मंकी है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल। तो अब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे और पता लगाएंगे। चलिए ये स्टोरी पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि वो जो है टोटो जो है वो मिस्चीवियस है, मिस्चीवियस मीन्स शैतान, और डोसाइल या फिर डोसाइल है, डोसाइल मीन्स विनम्र, मतलब उसके जो कार्य हमारे चैप्टर में बताए जाएंगे जो एडवेंचर है टोटो के, उससे हमें पता लगाना है कि वो मिस्चीवियस है या डोसाइल है। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। दादाजी जो है 5 रुपये की धनराशि में एक टांगे वाले से टोटो को खरीद कर लाए थे। The tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. Feeding trough क्या होता है? वो जानवरों के खाने की जो जगह बना देते हैं उसको feeding trough बोलते हैं। तो टांगे वाला जो था वो उस छोटे से लाल मंकी को जो है उस फीडिंग ट्रॉफ पर बांध कर रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट ज़ू। आउट ऑफ प्लेस होता है अजीब लगना, है ना, वियर्ड से। तो दादाजी ने उसको जो है वो मंकी जो है वहाँ पर बंधा हुआ, उस फीडिंग ट्रॉफ में बंधा हुआ, बहुत अजीब लगता था, अनुचित लगता था उनको वहाँ पर। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो है उसे अपने प्राइवेट जू में उस लिटिल फेलो, मतलब छोटे से उस बेबी मंकी था, 15 का बच्चा था, तो उसको जो है अपने प्राइवेट जू में ऐड कर लेंगे। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि उनके घर पर एक प्राइवेट जू था, प्राइवेट जू कहने से मतलब और भी जानवर थे वहाँ घर पर, तो उन जानवरों के साथ वो टोटो को भी रखना चाह रहे थे, वो घर लाना चाह रहे थे। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो एक प्यारा मंकी था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। अब टोटो को डिस्क्राइब कर रहे हैं टोटो कैसा था। प्रिटी था, प्यारा था, और उसकी जो ब्राइट आईज, ब्राइट मतलब चमकदार बड़ी आंखें, स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ, स्पार्कल मीन्स होता है चमकना, और मिस्चीफ मीन्स शैतानी, उसकी जो चमकदार वो आंखें थी वो शैतानी से चमकती थी। बिनीथ डीप सेट आईब्रोज, डीप सेट आईब्रोज मतलब गहरी गहरी जो भौं होती हैं हमारी आईब्रोज होती हैं उनके नीचे उसकी आंखें जो है शैतानी से चमकती थी। एंड हिज टीथ, और उसके दांत विच वर अ पर्ली वाइल्ड, जो कि पर्ली पर्ल से बना है, पर्ल मीन्स मोती, और उसके दांत जो कि मोती जैसे सफ़ेद थे वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल। और कई बार जो है वो ऐसी स्माइल प्रदर्शित करता था दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। जो हमारी महिलाएं थी एंग्लो इंडियन लेडीज के लिए बोला है, उनको जो है कई बार डरा देती थी। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। लेकिन उसके हाथ जो थे वो ऐसे सूखे हुए दिखाई देते थे एज दो, जैसे कि दे हैड बिन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, जैसे कि उनको कई सालों से धूप में सूरज में सुखाया हुआ था। मतलब जैसे अचार को धूप में सूखने के लिए रख देते हैं, सूख के वो कैसा पतला पतला सा हो जाता है, तो वैसे ही वो क्या इसको उसके हाथों को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इसको इतने पतले थे जैसे कि कई सालों से उसको धूप में सुखाया हुआ था। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विग्ड, लेकिन फिर भी उसकी उंगलियां जो थी वो क्विक थी, तेज थी, एंड विग्ड, विग्ड मीन्स चतुर, है ना, चतुर को बोलते हैं विग्ड। एंड हिज टेल, और उसकी जो पूंछ थी, व्हाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उसके गुड लुक्स में कुछ बढ़ोतरी करने के साथ साथ ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवनस गुड लुक्स। क्योंकि दादाजी ये विश्वास करते हैं, उनका ये विश्वास है कि किसी की भी पूंछ जो है वो उसके गुड लुक में, उसके फिजिकल अपीयरेंस में, उसकी सुंदरता में को और बढ़ा देती है। तो वो कह रहे हैं कि वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक, उसकी जो पूंछ थी ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, उसको एक तीसरे हाथ का भी काम करती थी। दो हाथ तो थे उसके, लेकिन उसकी पूंछ जो है उसको तीसरे हाथ का काम करती थी। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच। वो अपनी पूंछ को कैसे यूज करता था,
पेड़ की शाखा से लटकने में मदद लेता था, उस पूंछ को यूज करता था, एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। और वो जो होता था स्कूप अप होता है झुक के उठा लेना, तो वो जो है किसी भी जो भी चीज़ उसकी पहुंच से बाहर होती थी वो अपनी पूंछ के द्वारा उसको झुककर उठा लेता था, मतलब वो पूंछ उसको ऐसे भी हेल्प करती थी। ग्रैंडमदर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। फ्यूज्ड होता है बहुत तेज गुस्सा आना, एंगर मीन्स गुस्सा होता है, फ्यूज्ड मीन्स अत्यधिक क्रोधित हो जाना। अब दादी माँ जो थी वो हमेशा जब भी दादाजी कोई नया पक्षी या जानवर घर में लाते थे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी कैप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। तो ये डिसाइड किया गया कि टोटो की जो प्रेजेंस है, टोटो की घर में उपस्थिति जो है वो उनसे छुपा कर रखी जाएगी तब तक जब तक कि वो अच्छे मूड में नहीं होती है। जब अच्छे मूड में होंगी तब उनको बता दिया जाएगा। ग्रैंड फादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इन टू माई बेडरूम वॉल। और दादाजी ने और मैंने जो है उस टोटो को जो है मेरे बेडरूम की दीवार में जो एक छोटी सी क्लोजेट अलमीरा समझ लीजिए वो हमने जो है उसमें उसको उसमें रखा वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पर उसको सुरक्षात्मक रूप से बांध दिया। और सो वी थॉट या हमने सोचा टू अ पैग फैस्टन इन टू अ वॉल, या फिर या तो उस छोटे से मेरे रूम में जो क्लोजेट थी अलमीरा थी उसमें उसको बांध देंगे, और टू अ पैग फैस्टन इन टू द वॉल, या फिर दीवार में, पैग बोलते हैं खूटी को, दीवार में जो फैस्टन बांधी हुई तो, या फिर उसको उस दीवार वाली खूटी में बांध देंगे। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब हम मतलब उसको जो है दीवार की में जो वो खूटी थी उसके साथ उसको बांध दिया, कुछ घंटों बाद जब मैं और दादाजी टोटो को खोलने के लिए वापस आए, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर चोजन बाय ग्रैंडफादर। अब जब हम वापस आए तो हमने क्या देखा कि जो दीवार के दीवार पे कुछ ऑर्नामेंटल पेपर से कवर थी, मतलब कुछ डेकोरेटिव सजावट वाले पेपर से वो कवर थी जो कि दादाजी पसंद करके लाए थे। नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, लेकिन अब वो दीवार जो थी ना तो उस पे ईंटे थे ना प्लास्टर था उस पे, एंड द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो दीवार में जो वो जो खूटी थी वो उसकी सॉकेट में जहाँ वो लगी हुई थी रेंज्ड उखाड़ देना निकल जाना है ना, एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरा जो स्कूल ब्लेजर था विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो कि वहीं लटका हुआ था, वॉज इन श्रेड्स। श्रेड्स होता है चीर चीर कर देना, चिथड़े हो जाना, मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर देना, तो मेरा जो ब्लेजर वहाँ टंगा हुआ था वो छोटे छोटे टुकड़ों में था। आई वंडर वॉट ग्रैंड मदर वुड से, और अब मेरे को ये डर था कि ग्रैंड मदर दादी माँ क्या कहेंगी, मतलब वो उसको कुटी पे बांध कर चले गए थे, और जब कुछ घंटों बाद दोनों वापस आए दादाजी और मैं जब वापस आए तो हमने देखा कि वहाँ पर वो जो खुट्टी थी उस पर वो दीवार पे जो ऑर्नामेंटल पेपर था वो भी नहीं था, और उसकी ब्रिक ईंटे और प्लास्टर जो है वो भी नहीं था दीवार पे, और खुट्टी जो अपने सॉकेट से खड़ी हुई थी, और मेरा स्कूल ब्लेजर जो था वो वहाँ पर बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा था। और अब मेरे को डर था कि अब दादी क्या कहेंगी, क्योंकि टोटो की प्रेजेंस के बारे में अब दादी को पता लग जाएगा। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी थे जो थे वो चिंतित नहीं थे, उनको कोई चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, वो टोटो की ये परफॉर्मेंस देखकर, टोटो के ये काम देखकर वो खुश दिखाई दे रहे थे। ही इज क्लेवर, सेड ग्रैंडफादर, अब दादाजी ने कहा कि वह चतुर है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही वुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। मतलब समय में, अब आगे हम देखें आगे आने वाले समय में, वो मेरे को ये पूरा विश्वास है कि वो क्या करेगा, तुम्हारा जो ये ब्लेजर उसने छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया है उसको वो टाई करेगा, बांधेगा, उससे एक रस्सी बनाएगा, एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और विंडो से भाग जाएगा। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, अभी भी उसकी जो प्रेजेंस थी, उपस्थिति थी टोटो की, वो घर में सीक्रेट थी, किसी को नहीं पता थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशबली टुगेदर। सोशबली मिलनसार रूप से, एक दूसरे से मिलकर। अब टोटो की प्रेजेंस अभी भी सीक्रेट थी, तो क्या सोचा गया कि टोटो को अब एक बड़े से केज में ट्रांसफर कर दिया गया,
पिंजरा बोलते हैं केज को, है ना। और वो केज कहाँ था, इन सर्वेंट्स क्वार्टर, हमारे घर में जो सर्वेंट क्वार्टर था वहाँ पर एक बड़ा सा केज था, टोटो को वहाँ ट्रांसफर कर दिया। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर पेट्स लिव्ड विद सोशल वीक टुगेदर, जहाँ पर दादाजी के बहुत सारे और जो जानवर पालतू जानवर थे वो एक दूसरे से मिलकर रहते थे। और उन पालतू जानवरों में क्या था, अ टॉर्टॉइज, एक कछुआ था, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, खरगोशों का एक जोड़ा था, अ टेम स्क्वायरल, एक पालतू गिलहरी, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गॉड, और कुछ समय के लिए मेरी जो पालतू बकरी थी। इतने सारे जानवर वहाँ उनके प्राइवेट जू में थे। स्टार्टिंग में आया था कि दादाजी टोटो को जो अपने प्राइवेट जू में ऐड करना चाहते थे, तो ये जानवर उन्होंने अपने घर में जो सर्वेंट क्वार्टर था वहाँ पर रखे हुए थे। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन वो मंकी जो था, लिटिल मंकी टोटो जो था, वो अपने साथियों को रात में सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर मतलब इतनी शैतानी करता था, परेशान करता था उनको, रात में सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइड टू टेक हिम अलोंग, तो दादाजी ने जो कि अगले दिन जो है जिनको देहरादून जाना था सहारनपुर में अपनी पेंशन लेने के लिए, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ लेकर वहाँ पर देहरादून जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि दादाजी को सहारनपुर में अपनी पेंशन लेने जाना था, तो वो उन्होंने डिसाइड किया कि टोटो वहाँ पर शैतानी करता है, सबको परेशान करता है, तो उन्होंने उसे अपने साथ ले जाने के बारे में सोचा। ओके, इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास।